है उसमें एक माहौल इस देश में माहौल खड़ा किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जम्मू कश्मीर से हमारे फारूक जी और जज साहब यहां बैठे हैं, दोनों मालूम होगा, एक आपके साथ में एक विधायक थे। मैं जब खेलो इंडिया विंटर गेम्स चालू कराया था वहां गुलमर्ग में, आपके साथ में जो एमएलए थे, वो अभी एक्स एमएलए है, वो भावुक हो गए, भाषण दे दे देते रोने लगा। वो कहा कि पहली बार लगा कि कश्मीर में भी गतिविधि हो रहे हैं। तो मैं उस समय रोने विंटर हेल्ड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज इन द मिस्टर्स नाउ एम्बेसडर टू रशिया, हाँ, गुजराल साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल गेम्स वर हेल्ड इन गुलमर्ग, आई वाज द चीफ मिनिस्टर। सो लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट, गुलमर्ग हैज ऑलवेज बीन सेंटर ऑफ स्कीइंग, नो डाउट, आई हैव नो डाउट अबाउट इट दैट खेल इंडिया हैज चेंज्ड many aspects, there's no doubt about it, but let us not say that it was not done before. Thank you. It was done before, and what we have seen now, we see only improvement in the thing that is being done. Farooq ji ne jab woh mukhyamantri the zarur event host kiya hoga, aur kendra sarkar mein mantri bhi the to zarur event kiya hoga, lekin koi niyamit roop se koi wo program nahi tha, wo koi is tarike se एक फिक्स इवेंट नहीं था। अब जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड और एवरी ईयर है हो रहा है, ये फर्क है। और वहां विंटर स्पोर्ट्स का एकेडमी का स्थापित करने के लिए सब कुछ हो गया है। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर की वजह से जमीन वहां एक्वायर नहीं कर पाया था, इसके वजह से कंस्ट्रक्शन में डिले हुआ है, लेकिन अच्छी बात है आप इसको एक्नोलेज कर रहे हैं कि पहले एक इवेंट हुए थे लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ, अब रेगुलर प्रोग्राम बन चुके हैं।